सो गाइस देख सकते हो ये जो सारी लड़कियां खड़ी हैं ना, सब ये गर्लफ्रेंड रेंटेड हैं, यानी इन्हें आप रेंट पे ले सकते हो पैसे देकर। दोस्तों सरप्राइज, यहाँ केवल लड़कियां नहीं लड़के भी रेंट पे मिलते हैं। जी हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड का बनाना है तो भी आप बना सकते हो। जी हाँ, वो मैं बताने वाला हूँ, इनका प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई यहाँ के लोग ना अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए ना कई बार वो एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए रूम लेते हैं सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि इन्हें अकेले रहना बहुत पसंद है। भाई यहाँ के 90% लोग तो गेम में एडिक्ट हो चुके हैं, इतना गेम शायद इससे ज्यादा एडिक्शन गेम का कहीं और नहीं मिलेगा। भाई यहाँ की नाइट लाइफ ने तो चौंका दिया वाकई में यार, क्या नाइट लाइफ है कि अमेजिंग। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों मैं हूँ इस समय टोक्यो में और यहाँ की नाइट लाइफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि नाइट लाइफ ना यहाँ की जो है ना बहुत अमेजिंग है और बहुत अलग लेवल पर यार, मैंने देखी नहीं है। वैसे मैं नाइट लाइफ का ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, तो भाई मैं इस समय जापान टोक्यो में हूँ और ये मेरा जो तीसरा ब्लॉग है। सो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, ये एग्जैक्टली एक तरह से सोना वात होता है। यहाँ पर लोग नहाते हैं और स्पेशली लोग रूम लेते हैं एक दिन के लिए रहने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का है, मतलब रूम एग्जैक्टली का सेंस ये है कि लोग अकेले में रहना चाहते हैं, मतलब टाइम चाहते हैं वो खुद के लिए। और होटल का तो आपको पता ही है, सारा पैकेजिंग फूड होता है यहाँ पर। तो ये आप पूरी मार्केट देख सकते हो और एग्जैक्टली मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं एग्जैक्टली आपको दिखाने वाला हूँ मार्केट। तो दोस्तों मैं जिस लोकेशन पर, उस जगह को बोला जाता है योनो स्टेशन, और यहाँ से अभी हम जो जाने वाले हैं वो है सिंजुकु। यहाँ पर एग्जैक्टली एक तरह से शहर बोल सकते हो टोक्यो डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पर एग्जैक्टली है सुबाया। तो हम सिंजुकु की जो नाइट लाइफ है बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर चलेंगे। दोस्तों ये देख रहे हो ना, ये मोबाइल चार्ज करने का, कई बार आप चार्जर लेकर भूल जाते हो ना, तो यहाँ से ले सकते हो, चार्ज करोगे, एक ऐप आता है इसका, और नेक्स्ट जहाँ इसका स्पॉट होगा वहाँ जाकर रख दोगे। तो ये देखो, मतलब मोबाइल भी चार्ज आप रेंट पर कर सकते हो। ये पूरा रेट है 303 yen का, 403 yen का, जो भी मैं प्राइस बताऊंगा ना उसे आप 2 से डिवाइड कर देना इंडिया के लिए। ये आप देखिए भाई, मतलब मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो आप। तो जापान में नाइट लाइफ में आपको 3-4 चीज़ें मिलने वाली है, जिसमें पहली चीज़ है गेम एडिक्शन। भाई ये इतने गेम के इतने पूरे पागल हो चुके हैं, इतना गेमिंग यहाँ से ज़्यादा गेमिंग नहीं है। तो कई तरह की गेमिंग है, म्यूज़िक गेमिंग है। ये जो देखो सबसे ज़्यादा जो गेमिंग होने वाली है यहाँ पर, ये क्या होता है कि एक टॉय होता है, उस टॉय को आपको जो है मतलब खिलौने को पकड़ना होता है एक मशीन से, और आपने वो पकड़ लिया तो वो खिलौना आपका हो गया। इसमें आपको कॉइन्स मिलते हैं, मान लिया 100 रुपये का एक कॉइन्स मान लो, यानी यहाँ पर तो येन चलता है, तो इंडिया का मान लो 50 रुपये का एक कॉइन्स, तो अगर 5 कॉइन्स ले लिया आपने तो 250 के हो गए। अगर आपका एक खिलौना भी फंस गया यानी उस मशीन में, तो वो खिलौना आपका हो गया। और इसके चक्कर में पूरे जापान में 90% लोग जो है, यूथ जो है, इस गेम को खेलते हैं। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, अंदर से यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये भी एक नाइट लाइफ का हिस्सा है। तो ये फंस गया इनके उसमें, तो ये इनका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के थीम पर ना कम से कम 1000 पैटर्न में दो गेम बनाए रखे हैं, ये सारे गेम वही हैं। फांसना है, इधर भी फांसना है, ये बहुत सारे लकी होते हैं जिनका निकल जाता है। ये आप देखिए भाई, और इसकी बहुत बड़ी दुनिया है भाई यहाँ पे, मतलब गेम के बारे में तो भाई ये मान के चलो कि पूरी तरीके से पागल है। कोई भी चीज़ आपको फंसानी है और वो निकल जानी है। यहाँ पे आप कॉइन डालोगे, 200 कॉइन है, उसके बाद यहाँ से चलाओगे ये काम करेगा। ये अगर फंस गया और ऊपर उड़ गया तो ये आपका हो जाएगा, ये निकाल के फिर आपको दे देंगे। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, गजब। ये देखिए भाई, तो गाइस हम आ चुके हैं जबरदस्त सिंजुकु। ये सिंजुकु की नाइट लाइफ है, और यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो यहाँ का टावर है। तो यहाँ पर ये आप देखो बिल्डिंग है भाई, और यहाँ पर आप देखो ये ज़्यादातर आपको स्पा बार वगैरह सब कुछ मिलेंगे। अब सिंजुकु में आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी 3-4 चीज़ें मिलने वाली है। एक गेम एडिक्शन मिलने वाली है, यहाँ पर बार मिलने वाले हैं, रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं, साथ में आपको जो आपने नाइट लाइफ के बारे में सुन रखा वो सब कुछ मिलने वाला है। देखो वैसे मैं नाइट लाइफ ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है, बट मैं यहाँ की क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ की जो नाइट लाइफ है, उसमें 4-5 चीज़ें जो ऐड कर रखी हैं, इसलिए मेरा ये ब्लॉग बनाना मजबूरी है। अब देखो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। यहाँ पर एक टावर है, उसका नाम बताऊँगा। यहाँ पर एग्जैक्टली पब, बार, रेस्टोरेंट, गेमिंग, जो आप सोच सकते हो ना अपने माइंड में वो सब कुछ होता है, चाहे लड़की रेंट पे हो यानी गर्लफ्रेंड रेंट पे हो, सब कुछ होता है यहाँ पर। भाई यहाँ की नाइट लाइफ ने तो चौंका दिया वाकई में यार, क्या नाइट लाइफ है यार की अमेजिंग। बट जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर एग्जैक्टली जो है ना वो एक स्कैम है, और स्कैम वही वाला है, रेंटल गर्लफ्रेंड वाला। भाई बहुत तगड़ा स्कैम है, मतलब क्या बताऊँ आपको। अब यहाँ पर रेंटल जो गर्लफ्रेंड है
उसका स्कैम क्या है ये मैं आपको डीप में बताऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर जो मैं तीन चार चीजें बताने वाला हूँ आपको उस पर नोट कीजिए। तो गाइस इस लोकेशन का नाम है कावोकिचो टावर, ये यहाँ की मेन लोकेशन है जहाँ पर नाइट अट्रैक्शन होने वाला है। यहाँ पे आपको पब मिलेंगे, बार मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, खाने पीने कोई स्नैक्स, यानी ये एक तरह से मेन अट्रैक्शन आप कह सकते हो जगह का। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा होगा, यहाँ पर एक तरह से आधी दुनिया पागल हो रही होगी जो लोग जापान और टोक्यो में आ रखे हैं। तो आगे आप ये देखोगे, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लोग बैठे हुए, गाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, मैंने म्यूजिक बंद कर रखा है, और ये सेम क्रोके स्टाइल में ये आपने अजरबैजान में या उज्बेकिस्तान में कजाकिस्तान में सेम वही स्टाइल देखा होगा, और सेम यहाँ पर कॉपी मिलेगी आपको जैसे थाईलैंड की या वियतनाम की, सेम डांस चल रहा है और ये कावोकिचो टावर के अंदर ही चल रहा है, और हर रेस्टोरेंट बार में ये कॉपी पेस्ट चल रहा होगा। यहाँ पर हर स्ट्रीट स्पेशली जो कावोकिचो टावर के पास है वो ऐसी लाइट में नहारी होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर एग्जैक्टली दिन हो रहा है या रात हो रहा है, और हर गली वही है 99% यहाँ पर कैफे रेस्टोरेंट बार है। लेकिन अगली कहानी क्या है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली तीन चीज़ें मिलेंगी आपको, एडल्ट्स जो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करती है एडल्ट टॉयज, और दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे यहाँ के जब पब वार हैं, और तीसरी जो चीज़ है जिसके लिए यहाँ पे लोग आते हैं वो है गर्लफ्रेंड हायर करना। ओके थैंक यू बाय। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ और, यहाँ पे जो है ना प्रोफेशनल तरीके से जितने वार हैं उसके बाहर लड़कियाँ खड़ी रहती हैं, और लड़के भी होते हैं कुछ वेंडर, वो आपको अंदर ड्रिंक के बहाने से ले जाएंगे। तो खेल यहाँ से शुरू होता है, दोनों साइड में आप लड़कियाँ देख सकते हो, इस साइड भी और इस साइड भी, नहीं लेफ्ट भी और राइट भी। यहाँ पे जो लड़कियाँ खड़ी हैं एग्जैक्टली इसमें 80% लड़कियाँ वो हैं जो कैफे वालों ने लड़कियाँ खड़ी कर रखी है प्रोफेशनली। ये आपसे एक घंटे के कोई 2000 युआन, कोई 3000 युआन, कोई 4000 युआन या 5000 युआन आपसे चार्ज करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये इनका अपना चार्ज है, आप इन लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठ सकते हो, ड्रिंक्स करोगे, ड्रिंक्स जो करोगे उसके पैसे आपको अलग देने पड़ेंगे, मतलब ये इनकी अपनी फीस है। इसे आप गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते, गर्लफ्रेंड का मसला बहुत अलग है, ये इनकी फीस है जहाँ पर जिन्होंने अपने 60 मिनट के, किसी ने 3000 येन रखे होंगे, किसी ने 4000, किसी ने 5000, और ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि मैं 20 कंट्री घूम चुका हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है कि ये नाइट लाइफ में क्या होता है, जो कैफ़े वाले होते हैं इन लड़कियों को सैलरी देते हैं या फिर आधे आधे में बात कर लेते हैं, और ये लड़कियाँ इन कैफ़े में इन लड़कों को लेके जाती हैं और वहाँ पर ड्रिंक कराती हैं और महंगे महंगे स्नैक्स खिलाती हैं, और वो चार्ज लड़के को खुद देना पड़ता है, यानी लड़की का भी चार्ज देना पड़ेगा और लड़के का भी, और उसमें लड़के को क्या मिलेगा, सिर्फ कंपनी मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये जापान का बहुत फेमस बिजनेस मॉडल है, ये मैंने आपको इसका एक फर्स्ट पार्ट बताया जहाँ पर एक घंटे के लिए आप गर्ल्स को हायर कर सकते हो, और स्पेशली ये जितनी भी लड़कियाँ हैं सिर्फ एक घंटे के लिए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पॉइंट भी नोटेड, कि यहाँ पर सिर्फ आप कंपनी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे कोई डिमांड कर दो लाइक कि आई वाना लाइक किस यू, ऐसा कुछ नहीं है, या आई वांट टच यू, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी मिलेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा जो भी आप कुछ खाओ पियोगे वो आपको खुद कोई चार्ज देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप पर, दूसरा स्टेप बड़ा है, अपने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देख रखा होगा, जो इंडिया के ब्लॉगर जाते हैं वो लड़कियाँ हायर करते हैं, यानी रेंटेड लड़कियाँ हायर करते हैं। देखो उसका जो चार्ज होता है पूरे दिन का वो आपको 15000 से कम बोल रहा हूँ, 20 मान लीजिए, 20000 से लेकर के 25000-30000 तक जाता है, और उसमें वो लड़की कंपनी देती है। एग्जैक्टली जापान में इसलिए हो रहा है, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है, पिछले 2 साल के अंदर 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोग जो है कम हो चुके हैं, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, ये लोग शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है इनका, सही मायने में इनका रोमांस में भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में यहाँ के इंसान जो है ना पूरे मशीन बन चुके हैं। अब मशीन जो है वो पैसा तो कमा सकती है बट इमोशन है नहीं, तो उन्हें कंपनी के लिए इंसान चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये लड़के ही, मतलब गर्लफ्रेंड रेंट वाली ही चाहिए ना, एग्जैक्टली ये बॉयफ्रेंड भी ले सकते हैं, फादर मदर कुछ भी, यानी यहाँ आपको कोई सा भी रिलेशन चाहिए। अगर आपको फादर चाहिए तो आपको रेंट में मिल जाएगा, मदर चाहिए रेंट में मिल जाएगा, यानी कोई भी इंसान किसी भी रिलेशन पर आप रेंट पर ले सकते हो। अब शादी में ये लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कि आप इनकी गूगल पर सर्च कर लो इनके बारे में कि 2 साल के अंदर 2 मिलियन इनकी आबादी जो है डाउन हो चुकी है, और गवर्नमेंट भी बहुत चिंतित है इस बात को लेकर के। अगर मैं ओपन शब्दों में कहूँ ना तो जापान की जो नाइट लाइफ है ये एग्जैक्टली 90% तो स्कैम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसे ले जाते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि आपको किसी तरीके से अट्रैक्ट करना एक घंटे के नाम पर बोलकर, और कैफ़े में ले जा कर के आपको महंगी दारू पिलाना या महंगे स्नैक्स कराना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि दे आर नॉट इंटरेस्ट इन मैरिज, ये शादी में इंटरेस्ट नहीं है, एग्जैक्टली मशीन बन चुके हैं। अब ये हंसना है, कस्टमर को बुलाना है, ये इनकी मजबूरी है।
दोस्तों सरप्राइज, यहाँ केवल लड़कियाँ नहीं लड़के भी रेंट पे मिलते हैं। जी हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड का बनाना है तो भी आप बना सकते हो। जी हाँ, वो मैं बताने वाला हूँ। इनका प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई इनका चार्ज तो बहुत हाई है, एक घंटे के 2500 युआन, किसी के 3000 युआन, किसी के 3500 युआन। अगर पर डे लोगे ना तो इंडिया के 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक। और जो लड़के हैं ना भाई, मैंने पूछा भाई आपका क्या रेट है, आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं हमको करते हैं, फोटो लेने से मना कर दिया खैर उन्होंने। तो दोनों का रेट बराबर ही है। तो भाई जापान में पहली बार देखा मैंने लड़की, मतलब रेंटेड गर्लफ्रेंड तो होती हैं, मतलब बॉयफ्रेंड भी होते हैं, मतलब होगा भाई। बट यार ये देखो यार, लाइफ हो तो भाई ये देखो भाई। अच्छा होता क्या भाई, यहाँ के लोग ना यार बहुत मतलब इतने वो हैं, फास्ट हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा भाई यहाँ का कल्चर एक तरह का, और पुलिस भी होती है, ऐसा नहीं है कि छुप के कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सामने से कर रहे होते हैं सारे के सारे, तो वो ये भी चीज़ होती है। तो आपको पूरी सड़क पर आपको मिलेंगे पार्टिकुलर लोग मिलेंगे, यहाँ से उस साइड तक जो है लोग तुम्हें मिलेंगे जो इस तरह के होंगे। पार्टिकुलर वो स्ट्रीट तो है ही जहाँ टावर, बट ये पूरी स्ट्रीट आपको ऐसी मिलेगी नाइट लाइफ के लिए। ये देखो भाई, अच्छा कुछ बेबड़े हैं पड़े पीने के बाद, ये हाल है यहाँ का। ये दूसरी साइड है जो जापान की, ये देखो भाई, और यहाँ भी पड़े हुए हैं, उस साइड भी पड़े हुए हैं। तो इस साइड से जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओगे ना, सारे ये गेम प्ले हैं भाई। इतने गेम होते हैं यहाँ पर, बहुत ही अलग अलग टाइप के गेम, जो आप अक्सर मूवीज़ में देखते होगे, कॉमिक में देखते होगे, जो आप सोचते होगे ना, जो आप इमेजिन करते होगे ना, वो सारे गेम तुम्हें यहाँ मिलेंगे भाई। ए टू जेड का मतलब है ए टू जेड किसी भी चीज़ के गेम यहाँ पर सारे के सारे गेम मिलेंगे भाई। भाई सारा मजा तो यहाँ है। यहाँ पर क्या करना है, आपको कोइंस मिलते हैं, कोइंस करने के बाद ये मशीन होती है ना, मशीन चलती है और ये फंसाती है इसमें से, जिसका फंस गया किस्मत है। जैसा हम खेलते थे ना, देखिए भाई यहाँ पर मशीन है, ये आप देखो भाई मशीन ही मशीन, ये जिधर आपको नज़र दौड़ेगी मशीन मशीन। और पता है लोगों के फंस जाते हैं, अभी इनका एक फंस गया देखो इनके हाथ में, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, देखो अभी ये ट्राई कर रहे हैं, ये देखो ओ भाई, ओ भाई। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा गेम होता है भाई, जिधर को आप नज़र दौड़ाओगे उधर गेम ही गेम मिले। ओ भाई ये गेम तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको हर स्ट्रीट हर चौराहे पे मिल जाएगा। सुपर यार, मतलब ये जो आवाज़ आ रही है ना उन लोगों की जिनका ये गेम फंस जाता है, बहुत अलग ही लेवल का गेम है भाई यहाँ पर। नाइट लाइफ तो बाकी में यार यहाँ बहुत अलग लेवल की है भाई, बहुत ही सुपर। तो दोस्तों अभी बाहर आ गया हूँ, और ये गेम ना ही वाला ज़्यादा बहुत चलता है यहाँ, बहुत हद से ज़्यादा। लाइटें देख रहे हो यहाँ की, गजब यार, अलग ही दुनिया भाई। तो दोस्तों ये यहाँ की नाइट लाइफ है, यहाँ की कोई भी गली चले जाओ, कोई सा भी शहर चले जाओ, चाहे वो आप सिंजुकु चले जाओ, चाहे शिवाया चले जाओ, चाहे वो आप योनो चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबकी नाइट लाइफ इस तरह की मिलती है। लेकिन जो फेमस है वो सिंजुकु की है। और यहाँ पे मैंने जैसा बताया तीन चीज़, एक तो फूडिंग बहुत, और दूसरा भाई 90% यहाँ पर गेमिंग बहुत है, यानी इतने लोग एडिक्ट हो चुके हैं गेम के भाई, पूरी तरीके से ये एक तरीके से गेम में हो चुके हैं। हर चीज़ में गेम चाहिए, सब सब्जी हो गेम चाहिए, खिलौने हो गेम चाहिए। और एग्जैक्टली ना खिलौनों से बहुत प्यार है, शायद उसका रीज़न यही होगा क्योंकि ना अकेला रहना पसंद है, तो अकेला इंसान क्या करेगा, खिलौनों को ही अपने साथ रखेगा। अब देखो ये नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर सब्जी है, लेकिन ये भी आप प्राइज में जीत सकते हो। यहाँ पर खिलौने हैं बराबर में, ये भी आप प्राइज में जीत सकते हो, हर चीज़ का एक प्राइज़ है। और बेंडिंग मशीन तो आपको पता है इतनी है, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस समय 11:15 बज रहे हैं, और देखो मेरे हॉस्टल में मुझसे अलावा यहाँ कोई भी नहीं होगा, सारे के सारे लोग जा रखे हैं नाइट लाइफ के लिए। मेन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नाइट लाइफ जो है एक अलग लेवल पर है, मतलब मुझे नहीं लगता कि रात को लोग यहाँ पर सोते होंगे। और मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर 3-4 ही प्रोग्राम है, पहला है 90% गेमिंग में बहुत लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सेकंड जो चीज़ बता रहा हूँ कि रेड लाइट में इनका इंटरेस्ट नहीं है, पहला है गेमिंग में, फिर दूसरा फूडिंग में, और जो तीसरा है वो है इनका ड्रिंक में, क्रोके म्यूजिक वगैरह सारी चीज़ें। जो मैंने आपको रेंटेड गर्लफ्रेंड वाला मामला बताया है वो एग्जैक्टली बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसको हाइप दे दिया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर केवल गर्लफ्रेंड को ही आप हायर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कहूँ खुले शब्दों में कि यहाँ पर आप
पैसों से रिश्ते बना सकते हो, यानी पैसों से रिश्ते को हायर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते जो है ना बहुत टफ है भाई। यहाँ पर सब सेल्फ डिपेंड है, हर इंसान काम कर रहा है, बुजुर्ग भी काम कर रहा है, हर एक इंसान काम कर रहा है। तो केवल गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ पर मतलब हर एक चीज़, अगर फादर चाहिए तो वो मिल जाएगा, मदर चाहिए तो वो मिल जाएगा, सिस्टर चाहिए तो वो मिल जाएगा। और एक रेस्पेक्ट की नज़र से सिर्फ कंपनी के लिए, यहाँ लोग के लोग कंपनी के लिए टॉयज खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा टॉयज कहीं खरीदे जाते हैं तो जापान में खरीदे जाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको ब्लॉग बताया, और मैंने आपको जो है प्राइस बता दिया कि अगर आप आओ और आपको भी वही रेंटेड गर्लफ्रेंड खरीदनी है तो आप 18-20 हज़ार रुपये में खरीद सकते हो, और वो सिर्फ आपको कंपनी मिलेगी, कंपनी से ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, क्योंकि नाइट लाइफ का मुझे ब्लॉग बिल्कुल ही पसंद नहीं है भाई। मैं अपने रूम पर आ गया, सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन और आपको स्कैम से बचाने के लिए बताया। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितनी भी मैंने कंट्री घूमी है सबसे ज़्यादा हाइप और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नाइट लाइफ मुझे कहीं की लगी तो सिर्फ जापान की लगी। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब पर धमाल मचा दो, इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।